इस वीडियो का उद्देश्य ग्रीन हाउस की प्रक्रिया को समझना और बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव का खेती बाड़ी पर होने वाले असर को जानना है। कितना सुहाना मौसम है ना आज। चलो ना, यहाँ नदी के किनारे थोड़ी देर और मौसम का आनंद लेते हैं। मौसम का मजा लेने लगेंगे तो घर पहुँचने में देर हो जाएगी, लेकिन आप कह रही हैं तो थोड़ी देर बैठ सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग आजकल जलवायु पर बात कर रहे हैं। सोचो कि हम इस समय यदि जलवायु परिवर्तन से ना जूझ रहे होते तो ऐसा सुहावना मौसम हमेशा रहता। ये तो सच है, लेकिन जलवायु बदल क्यों रही है इस पर भी तो हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुझे जो पता है वो है बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस का प्रभाव। ये दो मुख्य कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। और इसके जिम्मेदार भी तो हम लोग ही हैं। साथ ही जंगल के कटने और फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण भी तो हमारे जलवायु को खराब कर रहे हैं। हाँ, यही तो ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा कारण है। और इससे ग्रीन हाउस प्रभाव पर भी तो असर पड़ता है। बिल्कुल, दरअसल ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो धरती के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। लेकिन जब इंसानों के गलत दखल के कारण ज्यादा मात्रा में गैस निकलती है तो उससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जंगल काटकर जमीन का इस्तेमाल करने या खेती के लिए रासायनिक खाद का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भी जमीन से अधिक मात्रा में गैस निकलती है, जिसका जलवायु पर बहुत बुरा असर होता है। इससे बारिश, तापमान वृद्धि, सूखा, बाढ़ और लू जैसी मौसम की अनेक समस्याएं भी बढ़ती हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में मौसमी वर्षा होती है, और इस भारतीय मौसम के दौरान हवा में बदलाव, वायुमंडल में दबाव, तापमान और नमी के संतुलन में बदलाव के कारण कभी ज्यादा तो कभी कम बारिश की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल सही, ज्यादा बारिश होने से जहाँ एक तरफ फसलें बर्बाद हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी के कटाव से खेतों का भी नुकसान होता है, जिससे अगले फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। और बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में देरी होने से कृषि चक्र भी गड़बड़ा जाता है, जिससे रोपाई और कटाई के समय में भी बदलाव आता है। हाँ, तापमान के बढ़ने से फसलों को लगाने, अंकुरण, कल्ले निकलने, उसमें फूल निकलने, दाने बनने तथा उसकी कटाई, सबका समय बदल जाता है, जिससे उसकी उपज और उसमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व भी कम हो जाते हैं। अपनी फसलों को कीड़े से बचाने और उपज बढ़ाने के लिए हम लोग ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे खेतों से ज्यादा गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक ईंधन जैसे कोयला या तेल के जलने या फिर कचरे के सड़ने से जो गैस निकलती है उससे भी वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। साथ ही ये समझने की भी जरूरत है कि महिला किसानों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जंगल कटने की वजह से महिलाओं को लकड़ियों के लिए जंगल में ज्यादा अंदर जाना पड़ता है और उन्हें पानी की भी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। तुम कहाँ खोई हुई हो सिमी? सुगंधा, कुछ तो बात है इस जलवायु परिवर्तन में। जब भी हम लोग इस पर बातचीत शुरू करते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। सच में, चलो चलो अब घर चलते हैं। आइए विचार करें कि महिला किसानों पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर देखने को मिलता है और उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।